भाई साहब ने प्रकाश भवन के बारे में सुदृढ़ रूप से जानकारी दे दी। हमारे पास भी 5 करोड़ रुपए का संसाधन है। हम भी उसका संचालन इतना व्यवस्थित करते हैं क्योंकि हमारे मंदिर के अंदर रोज के 20,000 रुपए आते हैं और साल के 1 करोड़ रुपए आता है उस मंदिर में, इसलिए हम उसका संचालन व्यवस्थित कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत सारा ज्ञान बताया जा रहा है कि भाई तीर्थ क्षेत्रों में के जो जीर्ण दीर्ण पड़े हुए हैं उन तीर्थ क्षेत्रों का आप विकास कराइए। विकास काय से कराएं? हमने पिंडारी जी से मांगे 50 लाख, 25 लाख दे रहे 5 लाख। ये तीर्थ क्षेत्र बड़े गांव से फोन आ रहा है कि भैया 5 लाख 10 लाख का हमने दिया, तुमने 2 लाख भेजे। बजरंगगढ़ से फोन आ रहा है कि भैया हमने मांगे 20 लाख, तुमने भेजे 1.5 लाख। थूबन जी ने मांगे 50 लाख, भेजे 2 लाख। तो मध्यांचल का अध्यक्ष काम कैसे करेगा? कोई साधु उसको घास नहीं डालता है। सारे साधुओं के अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। किसी भी साधु के चातुर्मास में चले जाओ आप कि गुरुदेव हम चाहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का एक हम कलश रखना चाहते हैं, उसमें 10-20 हजार रुपए 50 हजार आएंगे वही बहुत है। लेकिन वहां की कमेटी परमिशन देती है क्या? साधु तो एक बार सोच भी लेता थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी कोई भी परमिशन नहीं देता है। रही बात शासकीय की, तो ये बैठे डोसी जी पूछ लो बैठे सामने, 2011 के पंचगणक में 5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन से लेके आया था मैं। कहां है वो 5 करोड़ रुपए? सब साफ हो गए पंचगणक के अंदर। किस सदस्य का नाम है उस पर? कुछ भी नहीं नाम है। अभी गोमटगिरी का हमने इतने कठिनाई से मैटर निपटाया, कौन नाम लेता उस चीज का कि भाई गोमटगिरी का प्रकरण को 45 साल से 40 साल से जो प्रकरण चल रहा था, जिसे आचार्य विद्यानंद जी महाराज नहीं निपटा पाए, जिसे विद्यासागर महाराज जी नहीं निपटा पाए, उसको हमने रात को 3 रात जग के हमने उस काम को समाप्त किया। आजीवन वो कांटा निकाल के फेंक दिया। अभी कुंडलपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहाँ है वहां? आपने बीरज सेठ को मंत्रिमंडल में ले लिया, क्या उसने सोचा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी को हमको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? कौन करता इन्वॉल्व? कोई नहीं करता इन्वॉल्व। आप हर बात बोल रहे हो कि आप अंचल के अध्यक्ष को थोड़ा चाहिए, अंचल के अध्यक्ष को ये करना चाहिए, अंचल का अध्यक्ष घर से रद्दी उठा उठा कर लाखों रुपए इकट्ठे करके कुछ नहीं कर सकता है, तो कम से कम उस क्षेत्र पे एक नेम पट्टी लगा रहा है कि ये गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, बस इतना सा काम कर रहे हैं और एक वाटर कूलर दे रहा है, इससे ज्यादा की उसकी हैसियत नहीं है। अभी प्रमोद जी कितने पैसे रखे आपके पास रद्दी में से? 11 लाख रुपए भी हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारा ऑटो तीर्थ क्षेत्र कमेटी का प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि किसी के घर के सामने खड़े होकर रद्दी इकट्ठा करके, वो हमारी व्यक्तिगत योजना है अंचल की मध्य प्रदेश के। आप तो हमको ये रास्ता बताओ कि अंचल के अध्यक्ष को हम इतना फंड देंगे। अभी आपने 1.5 करोड़ रुपए उसमें रख दिए। आप बोल दीजिए कि 25-25-30 लाख रुपए जो बड़े अंचल है उसको 25 देंगे, उसको हम अपनी योजना बना लेंगे साल भर की। हम किस तीर्थ क्षेत्र पे जाकर खड़े हो? ये भाई साहब बैठे हुए हमको उन्होंने कितनी बार बुलाया, वहां पे हम नहीं जा पाते शर्म के मारे। हम इनको मंच में जवाब क्या देंगे? ये बोलेंगे भाई साहब हमारी ये योजना है, हमारे पास फंड तो हो, किससे मांगेंगे फंड? हमने ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं उस क्षेत्र में मांगतुंग चार की छतरी को लगाने के लिए हैदराबाद के कलेक्टर पाटनी जी से प्रसन्न सागर जी को टेलीफोन करा शिखर जी से और उनसे पैसे लिए उसका विकास करा और उसमें वोट किसका लगाया? भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। अभी वो जो हमारे नीलम अजमेरा जी बता रहे थे, इनकी बिटिया थी वो जो हमारे माथे आ गई कि भैया अंकल मुझे तो ये पानी गाँव का विकास करना है, आप बताओ कैसे करोगे? मैं दे रही हूँ बोले 15 लाख रुपए। अब जो बच्ची 15 लाख रुपए अपने किटी पार्टी में से बचा के कमेटी दे रही हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं गया वहां नेवावर में, लोग करोड़ों रुपए दे देंगे। पूज्य ज्ञानमती माता जी को लोग बाग अरबों रुपए दे देंगे। एक एक करोड़ रुपए के सौरवांचल में लोग बाग ट्रस्टी बन जाएंगे। लेकिन जिन तीर्थों की स्थिति बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, वहां की तरफ तो उनकी गाड़ी के पहिए भी नहीं घूमते हैं श्रावक के, और ना कोई साधु पहुंचता है वहां। मैं जब उस पानी गांव पे गया, पानी गांव को देख के मेरा दिल रो दिया। आप देखिए छोटा सिकर जी है, बिल्कुल इतना सुंदर
जीवन प्रकाश जी अगर आप देख लो तो आप उसको गोद ले लो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ आपको, ये तीर्थ क्षेत्र पे बोल रहा हूँ। लेकिन किसी साधु के कदम वहाँ नहीं पड़ते, एकमात्र साधु है जो वहीं रहकर उसका विकास करा रहा है, और वो हमसे उम्मीद चाहते हैं कि भैया तुम 1-2 करोड़ रुपए लगवा दो, हम कहाँ से लगाएं। जिस दानदाते से बात करते हैं, अरे यार वो अभी आचार्य श्री से मिलने गए थे, वहाँ 51 लाख दिया, 1 लाख हमको देने को तैयार नहीं है वो लोग। परिस्थिति बहुत बिकट है, हम कैसे जाएं तीर्थों पे यार, हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हमारे को भी प्रशासक बने हुए आज 35 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी कर रहे हैं, ये गुजरात के जितने लोग बैठे हैं इन तक पानी पहुंचा दिया हमने, महाराष्ट्र में पहुंचा दिया, राजस्थान में पहुंचा दिया, मध्य प्रदेश में पहुंचा दिया, बनेड़िया का विकास करा, 52 गजा का विकास करा, गोमटगिरी में विकास करा, मगर छोटी छोटी राशि से, इतनी सी राशि से। वो तीर्थ इतना बड़ा है कि वो राशि तो जैसे हाथ में धागा बांधते ना ऐसे ही है बस। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नाम वहाँ पे स्थापित करें, लेकिन हम कैसे करें ये हमको रास्ता बताइए। धन्यवाद, जय जिनेंद्र।